नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम अमित चौधरी, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नर्मदा निधि चिकन ब्रीड्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यानी दोस्तों, जो नर्मदा निधि चिकन ब्रीड्स है, मुर्गी का जो नस्ल है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नया आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये जो नर्मदा निधि चिकन ब्रीड है, ये दोस्तों एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। यानी आप इसको मीट और अंडा दोनों के लिए पालन कर सकते हो। और ये जो ब्रीड है, ये एक क्रॉस ब्रीड है, देसी नस्ल है, लेकिन इसको क्रॉस करके बनाया गया था, जो कि कड़कनाथ के साथ जबलपुर के अंदर एक ब्रीड पाया जाता था कलर्ड ब्रॉयलर, उसके साथ क्रॉस किया गया था। तो जब क्रॉस करके जो नया ब्रीड तैयार हुआ था, वो हुआ था यही वाला जो नर्मदा निधि ब्रीड है। और दोस्तों, ये ब्रीड मध्य प्रदेश के अंदर तैयार किया गया था, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उधर एक यूनिवर्सिटी है जबलपुर यूनिवर्सिटी, उसी में इस ब्रीड को तैयार किया गया था। अगर इस ब्रीड के बॉडी के कलर देखा जाए दोस्तों, तो आपको ये मोस्टली जो है मल्टी कलर में देखने को मिलेगा। यानी एक से ज़्यादा कलर इसके बॉडी में रहता है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, ग्रे में भी आपको मिलेगा, या फिर मिक्स कलर रहेगा, जैसे व्हाइट के साथ ब्लैक स्पॉट में देखने को मिलेगा। तो ऐसे मिक्स कलर में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इस ब्रीड को तो देसी नस्ल माना जाता है। और दोस्तों, ये सबसे अच्छा, यानी इस ब्रीड को स्पेशली जो है बैकयार्ड फार्मिंग के लिए ही बनाया गया था। यानी जो लोकल एरिया है, उधर जो रूरल फार्मर है, यानी जो गरीब किसान है, उनके लिए इस ब्रीड को स्पेशली डेवलप किया गया था, ताकि वो लोग घर में ही कुछ मुर्गी पाल के इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सके। और दोस्तों, इसका ओवरऑल जो फीचर्स है, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक है इस मुर्गी का, काफ़ी अच्छा है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस मुर्गी से फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे अगर आप कम लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, और ख़ास करके एक नॉर्मली जैसे बैकयार्ड में फ्री रेंज में अगर इसको पालना चाहते हो, तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको चिक्स लाना पड़ेगा। तो फ्री रेंज के लिए सबसे बेस्ट ब्रीड है। तो अगर आप फ्री रेंज में पालन करना चाहते हो, तो इस ब्रीड को आप चुन सकते हो। तो अगर आप इसको पालते हो, अगर चिक्स इसका मंगाते हो, तो एग्जैक्ट चिक्स का प्राइस तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है उतना। तो एवरेज आप पकड़ सकते हो कि 40 रुपये के आसपास तक एक चिक्स का प्राइस जो है पड़ जाता है, इतने में मिल जाता है। तो अब बात आ जाता है कि आपको चिक्स कहाँ से मिलेगा, चिक्स कहाँ से मंगाओगे अगर आप फार्मिंग करना चाहते हो। तो उसके लिए तो आपको या तो हैचरी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई ऐसे किसान है जो फार्मिंग कर रहा हो, इस ब्रीड का पालन कर रहा हो, तो उसके पास से आप जाके चिक्स का पता कर सकते हो, या फिर अगर वो चिक्स सेलिंग करते हैं ब्रीडिंग करके, तो उससे आप चिक्स मंगवा सकते हो। अब नेक्स्ट अगर बात करें इसके फीडिंग के बारे में, यानी आप इसको क्या दाना खिला के इसको बड़ा कर सकते हो, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये स्पेशली जो है बैकयार्ड फार्मिंग के लिए तैयार किया गया था, फ्री रेंज पालन के लिए। तो फ्री रेंज पालन में तो मोस्टली दोस्तों जो है नेचुरल फीड ही खिलाते हैं, क्योंकि फ्री रेंज में ऐसे मुर्गी को खुला छोड़ देते हैं, और उसी में से तो जो मुर्गी दाना वाना चुप के खाती है, उसी से वो बड़ा होती है। तो अगर आप फ्री रेंज में पालते हो, बैकयार्ड में पालते हो, तो उसके लिए आप जो नेचुरल फीड्स है वो दे सकते हो, जैसे मोरिंगा लीव्स हो गया, फिर एजोला हो गया, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस है, आप देख सकते हो। या फिर आप घर का फीड तैयार करके इसको खिला सकते हो। तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसको सिर्फ बाजार का फीड ही देना है, नहीं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये देसी नस्ल है, तो इसको आप फ्री रेंज में पालन कर सकते हो। और अगर आप इसको कमर्शियल लेवल में करना चाहते हो, तो फिर आप बाजार का फीड के साथ जा सकते हो। तो ये एक देसी नस्ल है, मैं तो मेरे तरफ से यही रिकमेंडेशन रहेगा कि नेचुरल फीड के साथ ही तैयार करें, तो इससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू बाजार का फीड जो आता है उसको खिला के। क्योंकि बाजार का फीड थोड़ा महंगा होता है, तो उस दौरान आपका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है और प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। अब अगर बात करें इसके बॉडी के ग्रोथ के बारे में, यानी ये कितने दिन में कितना बॉडी वेट को गेन करता है, तो 60 से लेकर 70 दिन के अंदर में ये मुर्गी दोस्तों 700 से लेकर 800 ग्राम तक ये बॉडी वेट को गेन कर लेता है। अंडर फ्री रेंज सिस्टम में अगर आप फ्री रेंज में पालते हो, तो 60 से लेकर 70 दिन में 700 से लेकर 800 ग्राम तक बॉडी वेट गेन कर लेगा। और 140 से लेकर 145-150 दिन के अंदर में ये मुर्गी, यानी जो मेल बर्ड्स होता है, वो 1500 से लेकर 1500-1600 ग्राम तक बॉडी वेट को गेन कर लेता है। और जो फीमेल, यानी जो मुर्गियाँ होती हैं, वो 1300 ग्राम से लेकर 1350-1400 ग्राम तक बॉडी वेट को गेन कर लेता है। तो दोस्तों, ये जो बॉडी ग्रोथ है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर, फार्मिंग सिस्टम के ऊपर कि कैसे पालन कर रहे हो, क्या दाना खिला रहे हो। अगर आप बाजार का फीड खिलाते हो, तो इससे कम दिन में इतना ग्रो कर जाएगा। अगर आप नेचुरल फीड खिलाते हो, तो इतने दिन में इतना ग्रो हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, जो फीमेल बर्ड्स होती है, यानी जो मुर्गियाँ होती है, वो कितने दिन में मैच्योरिटी स्टेज पे आती है, यानी अंडा देना कब से स्टार्ट करती है,
तो दोस्तों जो मुर्गियाँ होती है वो 160 से लेकर 165 दिन के अंदर जो है ये अंडा देना स्टार्ट कर देती है, यानी एग प्रोडक्शन शुरू कर देती है। और दोस्तों इस दौरान जो मुर्गी का जो वेट होता है, बॉडी वेट, वो दोस्तों 1400 से लेकर 1450 ग्राम के आसपास तक होता है। और इसका जो एनुअल एग प्रोडक्शन है, यानी एक मुर्गी से जो है आपको 165 से लेकर 170 तक अंडा प्राप्त हो सकता है अंडर फ्री रेंज सिस्टम में। साल भर में दोस्तों एक मुर्गी से आपको इतना अंडा मिल जाएगा अगर आप फ्री रेंज पे पालन करते हो। और अगर आप केज सिस्टम में रखते हो या फिर अंडर जो अगर सेट कंडीशन में इसको पालते हो तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाए, लेकिन फ्री रेंज में तो 165 से लेकर 170 अंडा तक आपको ईजिली मिल जाएगा। बट इसका अभी डिपेंड करता है कि आप इसको लेइंग स्टेज पे जब आती है मुर्गी उस दौरान वो क्या फीड खिला रहे हो, क्योंकि लेइंग स्टेज पे जब मुर्गी आती है तो उस दौरान मुर्गी को लेयर मेस फीड खिलाना पड़ता है, स्पेशल जो फीड आता है अंडों के लिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फीड दे रहे हो, लेयर मेस दे रहे हो या फिर ऐसे ही नॉर्मली फ्री रेंज पे जो आता है फीड वैसे ही फीड खिला के बड़ा कर रहे हो। तो अगर लेयर मेस फीड खिलाते हो तो आपको इतना अंडा प्राप्त हो सकता है, अगर आप नॉर्मली ऐसे छोड़ देते हो तो इससे कम भी आपको प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों जो जो एग का जो वेट होगा, यानी एक अंडों का जो एवरेज वेट होगा वो 50 से लेके 51 ग्राम के आसपास तक जो है आपको अंडों का वजन देखने को मिल जाएगा। और जो एग का जो एग सेल जो कलर होगा, यानी अंडों का जो कलर होगा, वो दोस्तों ब्राउन सेल में आपको देखने को मिलेगा। तो अब लास्ट में दोस्तों बात आता है कि आप इसको कितने में सेल कर सकते हो, यानी आप मार्केट में कैसे सेल करते हो। तो अगर बात करें मीट के बारे में तो हर एक मार्केट में अलग अलग डिमांड होता है, प्राइस होता है देसी मुर्गी का। तो अगर देसी रेट में अगर आपको मिल जाता है तो कम से कम अगर होलसेल में ही बेचते हो तो 170 से लेके 200-210-20 के आसपास तक प्राइस मिल सकता है। और अगर आप रिटेल में बेचते हो, डायरेक्ट अगर शॉप में बेचते हो, तो उस दौरान फिर 250 से लेके 300 के आसपास तक भी प्राइस आपको मिल सकता है। तो इसका हम एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हर एक एरिया में प्राइस अप एंड डाउन रहता ही है। तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं आपके एरिया में क्या प्राइस है देसी मुर्गी का, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप एक बेचते हो, यानी अंडों का अगर सेल करते हो लोकल मार्केट में, तो एक अंडों का जो कीमत है वो 10 से लेके 12 रुपया के आसपास तक मिल जाएगा, क्योंकि हमारे इधर तो देसी मुर्गी का जो अंडा होता है उसका डिमांड ऐसा ही है, 10-12 रुपया के आसपास तक एक अंडों का कीमत जो है वो मिल जाता है। और अगर आप होलसेल में बेचते हो तो उस दौरान 5 से लेके 8 रुपया, 7 रुपया, 9 रुपया ऐसे ही मिल जाएगा। तो दोस्तों बस ये था कुछ जानकारी नर्मदा निधि चिकन ब्रीड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तक सबसे पहले पहुँच सके। और मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।